छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों को करोड़ों का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री पेंसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि 2016 से 2019 तक स्कूलों को दी जाने वाली राशि में से 167 करोड़ का भुगतान रुका हुआ है। उस वक्त केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र से मांग की जाएगी और फिर स्कूलों का भुगतान किया जाएगा। अधिकार अधिनियम के तहत पूर्व सरकार ने करोड़ों का भुगतान निजी स्कूलों को नहीं किया गया, जिसका परिणाम स्वरूप बच्चे स्कूलों को छोड़ते जा रहे हैं, उनको सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर साय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने मामला उठाया था सदन में कि 167 करोड़ का भुगतान पूर्व समय में नहीं हुआ स्कूलों को। नहीं, आरटीई के तहत जो गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उसका फीस का भुगतान राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, पर केंद्र सरकार ने जो भी हमारी योजनाओं का हम लोग ने लिख के दिया वहाँ पे, जो हमारी प्रोजेक्ट बनी, उसके तहत बहुत कम राशि विगत वर्षों में मिली है। हम प्रयास करेंगे कि जितना केंद्र सरकार से मांग करेंगे, राज्य सरकार की ओर से इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का उसमें प्रावधान रखा गया है और धीरे धीरे इसका हम भुगतान करेंगे। लेकिन भारत सरकार को इस कार्य जो कि आरटीई शिक्षा के अधिकार भारत सरकार के नीति के तहत उसमें आती है, अब उनको पूरा पैसा उनको देना चाहिए। तान जो रुका है उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हम पिछले साल की बात करें तो लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों ने जो आरटीई के तहत पढ़ रहे थे उन्होंने स्कूल छोड़ा है। नहीं देखिए, स्कूल छोड़ने का कारण आरटीई में भुगतान है वो नहीं है। स्कूल छोड़ने का कारण कि सरकारी स्कूल भी बेहतर हो रहे हैं, उनकी जो वातावरण है वहाँ पढ़ाने का स्तर और बेहतर हुआ है, इस कारण से लोग प्राइवेट स्कूल से छोड़ के सरकारी स्कूलों में भी आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता में सुधार लाने की बात कही है, जिससे कि जो बच्चे शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत भागते हैं उनको सरकारी स्कूल में उच्च शिक्षा पर मिल सके। कैमरामैन शाम के साथ सत्यराज, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।